हमारे सिलसिले के एक बादशाह जिनका नाम नामी इसमें गरामी था, हजरत मारूफ करती रहमतुल्लाह, हजरत मारूफ करती रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरीद और खलीफा थे इमाम मूसा रज़ा के, मुरीद और खलीफा थे हजरत इमाम मूसा रज़ा के, मुकाबला टूटा हुआ है, इमाम मूसा रज़ा के खलीफा थे। और जब हजरत इमाम मूसा रज़ा नालायक उठाए थे, हजरत सरकार मारूफ कर दी, नालायक उठा के अपनी दस्तार का एक बर्फ भर के उसके अंदर आपके ऊपर से बाहर लगा दिया। हजरत इमाम मूसा रज़ा अंदर होते दरवाजे के बाहर हजरत मारूफ कर दी। ये सदियों पहले की बात है। आराम फरमाते, वजू करवाते, एक वक्त आया और इतना सैलाब आया कि बगदाद गरम करने चली पहुंची। लोग भरे हुए आए कि हजरत इमाम मूसा रज़ा के पास अर्ज करते हैं कि अभी के तो बगदाद होने लगा है, अब आप आराम फरमाते। हजरत इमाम मालूम कर लिया अंदर जाते दे रहे कि मुर्शिद के आराम करना पड़ेगा, उनका गरम करने सारा मामला। हजरत मालूम से तरकी ने एक कागज दिया और उसके ऊपर लिखा कि मेरा नाम मालूम कर भी है और तुझे पता होना चाहिए अपनी जगह पर पहुंच गया। मगर जब चादर उठाई ना हजरत तो आपने फरमाया कर लीजिए क्या क्या तूने किया है, तो आपने फरमाया आपको उठाना पसंद नहीं करता था, अपनी मजबूरी का इजहार भी नहीं करना चाहता, मुश्किली थी, तो मैंने ये कहा कि मैं तुझे पता होना चाहिए मैं गुलाम और मुरीद हूँ हजरत अमर मूसा रज़ा का, फिर भी आपका नाम कहा मैंने अपने ही बदले की या अपना जो कार माना था वो नहीं मिलाया। सूफिया ने कहा कि हजरत मारूफ कर ही सरकार का नाम अगर तू खतरनाक जगह है ना तो लिख के लगा दो तो वो खतरे से टल जाएगी। ये जब हमने जगह खरीदी तो ये खतरे की जद में आ गई और खतरे की जद में आई और जहाँ आप भी ये मैंने लिख के लगाया हुआ है शायद मेरा ख्याल है कि वो इधर इसके पीछे है, इलाही बहरमत है मालूम है कि तो हमारे सारे खाते बाहर निकल गए। आज मां का नाम अगर गिर भी कोई दीवार के ऊपर लिख दिया जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। तो गबात की है साथियों,